पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख अब 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, लेकिन 1,000 रुपए की लेट फाइन अभी भी कायम है। गरीब तबके, मजदूर वर्ग के ऐसे कई लोग हैं जो 1,000 रुपए जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में वो बिना लिंक कराए ही लौट रहे हैं। मुंबई से रिपोर्ट देखिए। आकाश गुप्ता मुंबई में रिक्शा चलाते हैं, कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बीवी बच्चे को ही खिला पाते हैं, ऐसे में 1,000 रुपए सरकार को देकर पैन आधार कैसे लिंक करवाएं? गवर्नमेंट को कहां से 1,000 रुपए दे पाएगा, किसी तरह तो अपना जो है बच्चों को पढ़ा के किसी तरह खाना पीना खर्चा सब निकाल रहे हैं रिक्शा चला के। तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए तो खाते से लिंक है, लेकिन पैन कार्ड का अलग से कहां से आ गया ये सब तो अपने को जानकारी नहीं है भाई। मुद्रा मुंगिया भी साइबर कैफे पहुंची पैन आधार लिंक करवाने, मगर 1,000 रुपए का जुर्माना और 200 रुपए कैफे की फीस सुनकर उल्टे पांव लौट गई। 1,200 उनका चार्ज जो 200 रुपए है, 1,000 रुपया गवर्नमेंट का है, 1,200 रुपए भर के हम उनको करना पड़ेगा, इतना पैसा हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। साइबर कैफे में इन दिनों ऐसे लोगों की कतार दिखती है, कुछ जुर्माने की रकम सुन लौट जाते हैं तो कुछ के पैन आधार में खामी के कारण जुर्माना भरने के बाद भी इनका पैन आधार लिंक नहीं हो पा रहा। दिया ये कहाँ से लाएंगे 1,200 रुपया, 1,000 मैं गया था 1,200 रुपया बताया पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का, कहाँ से लाएंगे जनता पैसा? बहुत जगह हमने भी इंक्वायरी की, एक जगह साइबर कैफे में गए, बैंक में गए, तो डायरेक्टली बैंक वाले ने करना चाहिए था आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक अकाउंट से, क्योंकि इतने गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है पहली बात, और ये बोल रहे फाइन मारेंगे 1,000 रुपया 2,000 रुपया लिंक नहीं करेंगे तो मतलब आदमी करेगा क्या पहली बात? ये तो बहुत है, एक कम से कम 2-3 दिन का राशन हो जाता हमारा 1,000 रुपए से, ये अभी 1,000 रुपया हम भरेंगे तो कहाँ से वो पूरा करेंगे? हर कोई रोज का कमाने वाला अपना खर्चा देखेगा कि फिर सरकार का 1,000 रुपया भरेगा, और इतनी तकलीफ से अभी रमजान के महीने में यह सब लाइन लगा के अपना करवा रहे लिंक, रोजे में छोड़ के टाइम काम उम, सरकार को चाहिए कि कुछ इसका दूसरा रास्ता निकाले। 1,000 रुपए इसके चार्जेस भरने हैं, मेरे में क्वार्टर बेस पर मेरे पगार एक तो कम है, एक तो मेरे बच्चे के एग्जाम है उसके फी के लिए पैसा मैं जुगाड़ रहा हूँ, तो उसमें भी 1,000 रुपए इनको भरना है, ये अचानक सरकार लेने आने से हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। लोग भी पूछते हैं कि 1,000 रुपया भरा है तो अभी वो लिंक हो रहा नहीं है, कुछ भी जो गलती रहती है नाम में रहती है या फिर आधार नंबर में या फिर एड्रेस में, उसके वजह से वो लिंक करने में भी 1,000 रुपया भरना ही पड़ता है, और उसके बाद भी पैसा भरने के बाद लिंक नहीं होता है, तो वो भी सब लोग को परवड़ता नहीं है उसमें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं कि जुर्माने की जगह कोई और तरीका निकालना चाहिए था। आप किसी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपसे इसके लिए अच्छा खासा चार्ज भी लिया जाता है, तो 1,000 रुपीज की पेनल्टी, और उसके ऊपर जो आपके सेंटर्स हैं वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज दिए जाते हैं वो मेरे हिसाब से काफी भारी पड़ सकते हैं। या फिर बैंक्स में ये सुविधा रख दी जाए कि जब व्यक्ति जाता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए उस वक्त बैंक के कर्मचारी ही उस कस्टमर के पैन को आधार से लिंक कर दें तो शायद ये और भी आसान हो जाएगा। तो कुछ रास्ते निकालने चाहिए ताकि ये काम भी हो जाए और किसी के ऊपर इसका बर्डन भी ना पड़े। हालांकि असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है, बाकी लोगों को 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना होगा, नहीं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा, फिर रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे लोग भी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं जो अपने साथ साथ अपने 3 या 4 परिवार के सदस्यों का भी जुर्माना भर रहे हैं, ऐसे में उनकी जेब पर ये बहुत भारी पड़ रहा है। 30 जून के बाद अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है तो उसे रीएक्टिवेट कराने के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार अपनी तरफ से पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख में 5वीं बार बदलाव कर चुकी है, लेकिन लोगों की अपील यही है कि जुर्माने की जगह कोई और जरिया ढूंढा जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।